दिन भाई कहाँ जा रहे हैं? सर आपका नाम क्या हुआ? अनवार अहमद। अनवार साहब आप पूरा डिटेल में परिचय देता हूँ अपना, सर जोर से बोलिएगा। मैं इस स्कूल UMS उमरी का जी फुल फ्लेज। का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है? UMS उमरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय उमरी। उमरी जी। इसमें किस पोस्ट पर आप यहाँ हैं? प्रधान अध्यापक के पोस्ट। प्रधान कितने दिन से आप हैं यहाँ? 2 साल से हैं। इससे पहले आप कहाँ थे? राजकीय जालपा मध्य विद्यालय लोफा में 28 साल रहे हैं। अच्छा, जालपा लोफा में जी। इसके बाद आपका पोस्टिंग यहाँ हुआ? जी जी, आदरणीय के पाठक साहब जो है के शिक्षा विभाग में प्रमोशन के लिए सीनियर टीचर का ये किए, आदेश जारी किए, जिसमें हमारा फुलफिल हुए जी। सर्विस से सीनियर होने के नाते और PG है, MA हिस्ट्री है। अच्छा अच्छा, जिसके वजह से हमें पद मिला है जी। जी, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, MA इन हिस्ट्री हैं जी। आप मान लीजिए पहले वहाँ थे, लोफा में थे, लोफा से यहाँ जी। जी सर, फिलहाल अभी आपके अलावा यहाँ कितने शिक्षक और शिक्षिका हैं? हमारे अलावा 9 टीचर हैं जी, हमारे इंक्लूड 10 हुए हम लोग। 10 छु आप जी? जी जी। सर बच्चे का लगभग कितना संख्या है यहाँ? 354 बच्चे हैं हमारे यहाँ नामांकित। 354 बच्चे यहाँ जी। कौन बच्चे जो हैं यहाँ, मान लीजिए एक क्वालिटी के बच्चे नहीं होते जी, जैसे उसमें बहुत डल भी होता है जी, जी जैसे कमजोर बच्चा भी है, स्लो लर्नर बच्चे भी हैं, फास्ट लर्नर बच्चे भी हैं, मीडियम लर्नर बच्चे भी हैं जी, तीन तरह के। एक क्वालिटी में लाने के लिए जी आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसका एक्स्ट्रा क्लास? अभी दक्ष मिशन योजना से हम लोग बच्चे को जी ये पढ़ाते हैं, जो स्लो लर्नर बच्चे हैं, पिछड़ रहे हैं पाठ्यक्रम में विषय में, तो उस बच्चे को हम लोग 2 घंटा टाइम देते हैं, 8 से लेकर 10 बजे तक बच्चे को बैठा के साइंस, मैथ, भाषा के ज्ञान देते हैं बच्चों को जी, जो पिछड़ रहे हैं बच्चे जी, फास्ट लर्नर की लेवल में लाने के लिए जी। और वो चल रहा है ये मिशन, आदरणीय के पाठक साहब का जो आदेश हुआ है उसको हम लोग सर आँखों पर लेके और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पालन कर रहे हैं, हम अपनी पूरी टीम शिक्षक शिक्षिका के साथ जी। जी सर, यहाँ अभी फिलहाल कौन क्लास से कौन क्लास तक पढ़ाई चल रहा है? 1 to 8 तक पढ़ाई हो रही है सर। सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ लगभग? यहाँ सब सब्जेक्ट का पढ़ाई होती है, मैथ है, साइंस है, भाषा है, संस्कृत है, मैथिली है, उर्दू है, सब तरह के बच्चे हैं, समावेशी बच्चे हैं, तो सब तरह के पढ़ाई होती है यहाँ, जो हमारा रूटीन के मुताबिक जो विषय मिला है उसको हम पूरे तौर से खड़े उतरते हैं उस को लेके। सर अभी फिलहाल मान लीजिए यहाँ बहुत सारा स्कूल है जहाँ बैग का बंटवारा हुआ है बच्चे को जी, मान लीजिए किताब कॉपी वगैरह वगैरह जो कुछ मान लीजिए बंटवारा जी यहाँ हो चुका है जी जी, किताब वितरण कर दिए हैं, जो बच्चे का बाकी रह गया है वो बच्चे को आज भी वितरण कर रहे हैं और वितरण सारा हो चुका है, बैग भी किताब भी, और थोड़ा सा जो ये अभी समर वैकेशन चल रहा था, जो बच्चे जनरल नहीं आ रहे हैं वो कल से आएंगे और उसका भी सारे किताब मिल जाएंगे जी। जी जी सर, एक चीज आप बता रहे हैं कि मान लीजिए अभी फिलहाल इस सब के अलावा जी आपके यहाँ सरकारी बेनिफिट जो है जी कौन कौन सा बच्चे को सुविधा मिल रहा है जो सरकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको जो भी बच्चे निशक्त बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं चिन्हित अपने यहाँ सीना मैडम, और तीनों बच्चे को जो है यहाँ पे समावेशी शिक्षा के जो BRP हैं सुनील कुमार झा जी, उनके द्वारा यंत्र वगैरह मिलता है जी, और जो हमारे यहाँ पे महादलित टोला है और वो बच्चे सब भी यहाँ आते हैं, तो जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है उन लोगों को हम पूरे तौर से विभाग से दिलवाते हैं अपनी जवाबदेही समझ के जी। और अभी टाइमिंग क्या है आपके विद्यालय का? विद्यालय का अभी हमारा टाइमिंग है 8 से लेकर के 11 बजे तक का। कल से तो कुछ चेंजिंग होने जी, 6 से लेकर के 1:30 बजे तक कल से होगा जी। जी जी, वो हम आज नोटिस निकाल देंगे विधिवत जी, जो आदेश आया है जी, और 10:30 बजे तक हम MDMs बच्चे को खिलाएंगे, फिर शैक्षणिक कार्य में लगाएंगे जी, और 1 घंटा हम वो बच्चे को जो हमारे पिछड़ रहे हैं पढ़ने में, कमजोर बच्चे, स्लो लर्नर बच्चे हैं जी, स्पेशली उसका क्लास चलेगा जी, और वो बच्चे 1:30 बजे तक हमारे यहाँ
शैक्षणिक कार्य में भाग लेंगे और हम लोग तत्पर रहेंगे उस बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए। पाठक साहब का आपने जिक्र किया जी, क्योंकि पाठक साहब के जो कार्यकलाप है उनका जो वर्क है जी, उनका जो डेवलपमेंट करने का कैपेसिटी है, उनका एक ही नारा है कि हम प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल को एक क्वालिटी में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे, सरकारी स्कूल में कोई समस्या नहीं रहेगा। हाँ जी जी जी, लेकिन शिक्षक का दायित्व है कि मन से पढ़ावें जी, और जो समस्या है उसके लिए हम हैं जी। आप कैसे पाठक साहब के कार्यकलाप से सहमत हैं? जी पूरे तौर से सहमत हैं, प्लीज्ड हैं जी। उन्होंने एजुकेशन की दुनिया में एक इनकलाब लाया, रिवोल्यूशन क्रांति लाए जी। अच्छे अच्छे टीचर बीपीएससी से जो है जी, वो हमारे यहाँ भी नियुक्त हुई हैं। कल्पना मैडम हैं, 1-5 में आई हैं, 6-8 में संतोष कुमार साहू आए हैं जी। और वो इन लोगों ने अच्छा एक क्लास में परफॉर्मेंस किया और सोसाइटी में मैसेज गया, ये काम उनका सराहनीय काम है जी, तारीफ के काबिल काम है जी। सर फिर एक बार अपना नॉलेज पूरा परिचय दें। जी मैं अनवर, मेरा घर पछी है, ग्राम पोस्ट पछी, भाया मधेपुर, अनुमंडल है झंझारपुर, जिला मधुबनी, और बिहार का मैं बिहार राज्य के निवासी हूँ। और पढ़ाई बिल्कुल आपके माध्यम से ठीक ठाक चल रहा है जी, सब प्रॉब्लम क्या है आपके स्कूल में, सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रॉब्लम कुछ है मेरे स्कूल में, जैसे चार दीवारी हमें थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, अच्छा, सेफ्टी के दृष्टि से, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप होना चाहिए, जैसे कि दो रूम और भी चाहिए हमें जी।